स्वागत है आपका 7i न्यूज में, मैं हूं वैशाली। बैडमिंटन की दुनिया में पीवी सिंधु का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के लिए सुनहरा इतिहास लिखने वाली पीवी सिंधु का नाम आज हर एक जुबां पर है। रविवार को स्टार बैडमिंटन प्लेयर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हरा कर इतिहास रच दिया। बता दें कि इससे पहले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए महिला और पुरुष वर्गों में से अब तक किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बिना थके बिना रुके भारत की ये बैडमिंटन स्टार लगातार आगे बढ़ती रही है। सिंधु रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। सेमीफाइनल में भी सिंधु की कामयाबी का सिलसिला जारी रहा। इस मैच में उन्होंने चौथी वरीयता हासिल चीन की चेन यू फे को बेहद आसानी से 21-7, 21-14 से हराया। लेकिन फाइनल ऐसा एक तरफा होगा ऐसा तो शायद सिंधु ने भी नहीं सोचा होगा। पांचवी वरीयता हासिल सिंधु के सामने जापान की तीसरी वरीयता हासिल नोजोमी ओकुहारा कहीं नहीं टिकी। सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अक्सर फाइनल मुकाबलों में चूकने वाली पीवी सिंधु जब रविवार को कोर्ट पर उतरी तो एक अलग ही अंदाज में दिखी। उन्होंने पूरे मैच के दौरान ओकुहारा पर अपना दबदबा बनाए रखा और इस जापानी खिलाड़ी को कहीं से भी मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। मात्र 37 मिनट में ही उन्होंने 21-7 से वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतकर पूरे देश के लिए मिसाल बनी पीवी सिंधु पहली बार 2013 से इसी टूर्नामेंट से लाइमलाइट में आई थी। सीनियर लेवल पर पहली बार उन्होंने इसी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। स्कॉटलैंड में आयोजित 2017 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधु का गोल्ड जीतने का सपना ओकुहारा ने ही तोड़ा था। तब सिंधु को इस जापानी शटलर ने 21-19, 20-22, 22-20 से कड़े संघर्ष के साथ मात दी थी। इससे पहले भी सिंधु को बार बार हार का सामना करना पड़ा था। 19 अगस्त 2016 को ओलंपिक्स के फाइनल में सिंधु को कैरोलिना मारिन से हार प्राप्त हुई थी। 27 नवंबर 2016 को हांगकांग ओपन ताई जू विंग से हार मिली थी। इसके बाद 27 अगस्त 2017 को वर्ल्ड चैंपियनशिप में नोजोमी ओकुहारा ने सिंधु को मात दी थी। दिसंबर 2017 में दुबई में वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स में अकाने यामागुची ने उन्हें पछाड़ा था। फरवरी 2018 में इंडियन ओपन में बेवन झांग से मात खाई थी। अप्रैल 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल से पिछड़ी थी। जुलाई 2018 में थाईलैंड ओपन में नोजोमी ओकुहारा ने इन्हें हराया था। अगस्त 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियन गेम्स में ताई जू यिंग ने इन्हें हराया था। इसके बाद जुलाई 2019 में इंडोनेशिया ओपन में अकाने यामागुची से सिंधु को हार मिली थी। लेकिन सिंधु ने बार बार हार के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही और अपनी कामयाबी की मंजिल को पा ही लिया। आमतौर पर 1-2 हार के बाद बड़े बड़े दिग्गजों का हौसला टूटने लगता है, वो अपने पथ से भटकने लगते हैं, लेकिन ये सिंधु थी जो ना भटक सकती थी और ना हौसला खो सकती थी। उन्हें जीतना था, उनका निशाना था सोना, उन्हें जवाब देना था। रविवार के दिन उन्होंने सब कुछ पा लिया, जीत, सोना और बुलंदी। 2013 में सिंधु ने छोड़ी थी छाप। 5 जुलाई 1995 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में पीवी सिंधु का जन्म हुआ था। पीवी सिंधु का बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय करियर साल 2019 से शुरू हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहला पदक साल 2009 में जीता था। पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन्ना और मां पी विजया भी वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन बेटी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन को चुना। पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन्ना को साल 2000 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। पीवी सिंधु ने मेहंदीपट्टनम स्थित सेंट एन्स कॉलेज फॉर वुमेन से पढ़ाई की है। साल 2001 में पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने महबूब अली की देखरेख में बैडमिंटन की बेसिक ट्रेनिंग सिकंदराबाद के रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग ग्राउंड से शुरू की थी।
इसके बाद सिंधु ने पुलेला गोपीचंद की हैदराबाद स्थित गोपीचंद एकेडमी में ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। आज से 6 साल पहले साल 2003 में सिंधु ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही वर्ल्ड बैडमिंटन में अपनी पहचान बनाई थी। सीनियर लेवल पर सिंधु ने पहली बार इसी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद उन्होंने 2016 में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर अपने नाम की सनसनी मचा दी थी। उन्होंने ये बता दिया कि जल्द ही भारत ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन से भी गोल्ड हासिल करेगा। वर्ल्ड बैडमिंटन में अब भारत का दबदबा लगातार बन रहा है। 2012 ओलंपिक में साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और इसके बाद 2016 में रियो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर सिंधु ने भारतीय फैंस के जोश को और बढ़ा दिया था। पीवी सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पदक साल 2009 में जीता था। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पदक जीता था। वो साल 2014 में विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने साल 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक और साल 2017 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु को साल 2013 में अर्जुन अवार्ड, साल 2015 में पद्मश्री पुरस्कार और साल 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। पीवी सिंधु की फैन फॉलोइंग भी बहुत अधिक है। गूगल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, महिला एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 6 खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को हराने के बाद सिंधु सबसे अधिक खोजे जाने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने पर बैडमिंटन संघ ने पीवी सिंधु को 20 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। सिंधु के अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बीआई प्रणीत को 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली पीवी सिंधु को देश के कोने कोने से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, खेल मंत्री किरण रिजिजू, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर पीवी सिंधु को बधाई दी है। सिंधु को बधाई देने में बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा। सिंधु की जीत पर अमिताभ बच्चन ने भी बधाई देते हुए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया। अमिताभ ने लिखा, पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन, भारत के लिए सच में अद्भुत गर्व का पल है। केबीसी में आपके साथ कुछ वक्त बिताने से बहुत सम्मानित हूँ। आपने संभाला और हार नहीं मानी, ये है जज्बा भारत का और आपके जैसे चैंपियंस का। अमिताभ के अलावा बॉलीवुड स्टार्स शाहरुख खान, अनुपम खेर, तापसी पन्नू, कपिल शर्मा, मनुषी चिल्लर समेत कई सारे सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया पर सिंधु को जीत की बधाई दी है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने पीवी सिंधु को बधाई देते हुए लिखा, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए पीवी सिंधु को बधाई। आपने अपनी दुर्लभ प्रतिभा से पूरे देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। ऐसे ही इतिहास रचते रहिए। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की जीत पर सोनू सूद झूम उठे हैं। दरअसल इस वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी पर बायोपिक भी बन रही है और इस बायोपिक को एक्टर सोनू सूद प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोनू ने सिंधु को जीत पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोनू पिछले काफी समय से इस बायोपिक पर काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस बायोपिक का नाम सिंधु ही होगा। माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। सिंधु की बायोपिक के लिए दीपिका सभी की पहली पसंद है। वो काफी हद तक पीवी सिंधु जैसी ही लगती है। पीवी सिंधु ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके रोल के लिए दीपिका पादुकोण ही परफेक्ट फिट है। दीपिका बैडमिंटन भी अच्छा खेलती है। उनके पापा भी बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। एक बार सिंधु ने कहा था कि उनकी इस बायोपिक से लाखों लोग प्रेरित होंगे। 7i न्यूज़ के लिए फिरोजा खान की रिपोर्ट।